तसी दिले बोल लीजिए, अलबे हाथों बोल लीजिए, स्वागतम बोल दीजिए या फिर वेलकम बोल दीजिए, ये सब जो है एक ही वर्ड होता है। तसी दिलेक अर्थात मोम्पा भाषा में जो है वेलकम को बोला जाता है। आप सभी को बता दूं, आज कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहने वाले मोम्पा स्टूडेंट्स यूनियन ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा, जिस कार्यक्रम में मुझे भी एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। और ये सुंदर कपड़ा अगर आप देखेंगे, इन्होंने मुझे आज गिफ्ट किया है। और मोम्पा को इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये लोग जो है फिश लवर होता है। हालांकि आज का कार्यक्रम जो है फ्रेशर्स मीट कम इंटरेक्शन प्रोग्राम था। ये कार्यक्रम जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितने भी कॉलेजेस है या फिर यूनिवर्सिटी में जो मोम्पा स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन कम जो है फ्रेशर्स मीट, यानी जिन्होंने 12वीं क्लास पास होने के बाद जब कॉलेज के लिए ईटानगर आता है ना, उनके लिए एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था। क्योंकि एक दूसरे को जान पहचान बनाना बहुत ज़रूरी होता है और अरुणाचल का खूबसूरत यही है। आपको बता दूं, तवांग डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं और वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में मेजर जो है मोम्पास का जो है ये डिस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन तवांग का मोम्पा भाषा अलग होता है। उसके बाद दिरंग और कलकतंग का मोम्पा भाषा जो है मिलता जुलता है, यानी तवांग का अलग हो जाता है तो दिरंग और कलकतंग में रहने वाले मोम्पास भाषा जो है अलग हो जाता है। यही जो है अरुणाचल प्रदेश का खूबसूरती है कि जो लोगों का जो खान पान रहन सहन जो अलग अलग होता है ना, ये एक खूबसूरती है। हम लोग ये बोलते हैं कि जब मोम्पास होता है तो इसका मतलब सेम होगा, कल्चर जरूर सेम होगा, लेकिन उनका भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार जो है आज का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो मोम्पास लोग रहते हैं उनका मकसद ये था कि उनका कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है, आने वाले बच्चों को जो किस प्रकार स्टूडेंट्स को बताया जाना है, ये एक मकसद था। दूसरा ये है कि जब तवांग और वेस्ट कमिंग मोम्पास की बात करते हैं, भाषा अलग होता है, तो यहाँ कैपिटल में रहने वाले जो पढ़ने के लिए जो आते हैं, जो बच्चे हैं, जो बहने हैं, भाई हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन रखना कि हम लोग किस प्रकार से अपने भाषा को, अपने बोली को, अपने कल्चर को, अपना संस्कृति को कैसे प्रिजर्व कर सकता है, इसको मेन मुद्दा बनाकर जो आज का जो फ्रेशर्स मीट का जो है इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया। और मैं बहुत खुशी हूँ कि जब मोम्पा के ऐसे कार्यक्रम में, जब ऐसे संस्कृति कार्यक्रम या फिर कुछ भी कार्यक्रम में जब जाते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मोम्पा को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जब हम लोग वेस्ट कमिंग और तवांग की बात करते हैं तो मोम्पास का एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लोगों को बहुत वेलकमिंग जो नेचर होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, जिसको दूसरे जनजाति के लोगों को भी सीखना चाहिए। और आज का ये कार्यक्रम तो बहुत खूबसूरत था, जिसमें नए नए बच्चे जो 12वीं पास करके जो कॉलेज के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके बीच में जो है इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया। साथ ही साथ उनका जो है जो जिस फील्ड में जो इंटरेस्ट है, जैसे कि सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर मिमिक्री करना हो, ऐसे टैलेंट को भी आज यहाँ पर जांचा गया। साथ ही साथ कार्यक्रम होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का जो है निर्धारण किया गया कि मिस जो है प्रेशर कौन है, मिस्टर प्रेशर कौन है, मिस टैलेंट कौन है, मिस्टर टैलेंट कौन है, इसका भी एक पुरस्कृत जो है लोगों को, बच्चों को दिया गया। इसमें एक इंकरेज होता है। हालांकि जब प्रेशर्स मीट की बात करते हैं, सभी कम्युनिटी के, सभी जाति के लोग इस प्रकार का कार्यक्रम जरूर करता है और ये मकसद यही होता है कि एक दूसरे को जान पहचान करने के लिए। हालांकि आपको ये भी बता दूं, ये एक खबर तो नहीं है, फिर भी हमको लगा कि ये आप लोगों को जानना चाहिए कि जब प्रेशर्स मीट या फिर इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा जाता है तो मकसद क्या होता है। इनका मकसद ये था कि अपना कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है और एक दूसरे को जान पहचान कैसे बनाना है, इसको लेकर के किया गया था। और इस कार्यक्रम के दौरान जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने हमसे बात करते हुए क्या कहा, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने किस किस प्रकार का प्रोग्राम किया है, उसका एक झलक हम सभी लोग मिलकर देखते हैं। ताशी जिले एंड गुड इवनिंग, माय सेल्फ प्रभा दोरजी एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ अक्सुम ओल्ड कैपिटल स्टूडेंट यूनियन मोम्पा। आज हमारा फ्रेशर्स मीट कराने का मेन मोटिव यह है कि फ्रेशर्स मीट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, तो इसके इसमें आपका ऑल वेस्ट कमिंग एंड तवांग मोम्पा स्टूडेंट का जितने भी कैपिटल रीजन में रहते हैं कॉलेजन जो फर्स्ट ईयर आए हुए हैं, वो सब को हम लोग इंटरेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम को मनाया जाते हैं। माय नेम इज तेंजिन जेजो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अक्सुम ऑल कैपिटल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मोम्पा। तो ये आज का ये हम लोग का मेन थीम जो ये है कि प्रिजर्वेशन ऑफ ओन कल्चर। ताशिद माई सेल्फ जमसो कोची एंड आई एम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट Aksum, that is all Mompa Student Union Capital Complex. तो आज का हमारा ये फ्रेशर कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव ये था कि हमारे जितने भी तवांग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं हमारे कैपिटल रीजन पर आफ्टर कम्प्लीटिंग देयर हायर एजुकेशन, तो उन सबको आपस में इंटरेक्ट करवाना ताकि हम एक दूसरे को जान पाए और अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो
एक दूसरे को मदद कर पाए। तो यही हमारा मेन मोटिव यही है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे को जान पहचान कराना, मेन मोटिव यही है। थैंक यू। बुद्ध भगवान ने कहा है अपो दीपो भव। अपो दीपो भव मतलब क्या है? अपना रास्ता का उजाला अपने आप बनाओ आगे बढ़ने के लिए। अपो दीपो भव बुद्ध भगवान ने कहा है, ये दिमाग में याद रखो। कोई आपको रास्ता दिखाने के लिए लाइट लेके टॉर्च लेके नहीं आएगा। आप खुद अपने आप को दीप बनाना है, खुद अपना रास्ता को उजला बनाना है तो आगे बढ़ना है। हर चीज के मजाक में नहीं लेना है। लाइफ बहुत अमूल्य चीज है। लाइफ एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत अमूल्य है। अपने गुरुजनों को बहुत रेस्पेक्ट देना, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो अच्छा ड्रेस पहन रहा है या नहीं पहन रहा है तो आपका गुरु जी, तो गुरु जी को रेस्पेक्ट देना हम सब का ड्यूटी है। जिसने भी आपको ये एबीसीडी सिखाया है, जिसने भी थोड़ा बहुत आपको कुछ सिखा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस ऑन इट। अगर इम्पोर्टेंस नहीं देगा आपको कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप हमेशा गुरु जी को इम्पोर्टेंस दीजिए और खूब उनको रेस्पेक्ट दीजिए और साथ दीजिए पढ़ाई में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और ऐसे भी आप दिन में भी आप रेस्पेक्ट करिए अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का, अपने गुरु जी का, और अपना जो फोकस है पढ़ाई में रखो, ताकि आप अपना जिंदगी का जो टारगेट है, जिसको जिस चीज़ को बनना चाहता है, आप इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, या प्रोफेसर बनना चाहता है, या कुछ भी बनना चाहता है, तो उसका फोकस कीजिए, टारगेट रखिए और आप खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, ताकि आप जिंदगी में कभी दुख तकलीफ ना हो, खूब नाम कमाए और अपना माँ बाप का भी रोशन करें, अपने गांव का, अपने कम्युनिटी का, अपना अरुणाचल प्रदेश का। इसी शब्द के साथ मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ, आप सबको भगवान सही सलामत रखे, खुशहाल रखे, खूब पढ़ लिख के हमारा देश का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम रखें और खूब आगे बढ़े और आपका दिल दिमाग हमेशा सही सलामत रखे और फिजिकली मेंटली आप हमेशा टफ रखे, बहुत स्वस्थ रखे। यही मेरी दुआएं है भगवान की तरफ से। भगवान को मैं यही मांगती हूँ आप सबको और मार्गदर्शन आपको जरूर करें अच्छा काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना शांति से सुना, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। आप लोगों ने मेरी जो बातों को सुना, आप कितना आपने ठीक समझा नहीं समझा ये मैं नहीं जानती हूँ, ये तो आपका अपना सोच विचार है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सुना बहुत देर से, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।